बाकी चाची जी और खाली बैठ रखे, ऐसा लग रहा ना हाँ, क्या करें शादी में बहुत थकान लगी होगी नी। ये बर्तन रगड़ रगड़ देखो हाथ दिखा ले। मैं एक ऐसी शादी भी देख दी जो अपने गांव से गांव ही तक गई, और पहले तो होता था दादाजी के टाइम पे, मतलब यहाँ देख लो शाम के खाने की तैयारी है। बाकी दोस्तों शादी में बहुत ज्यादा गर्म हो गया था ना इनको, तो यहाँ पे नींबू पानी बना रहे, पता नहीं कौन से स्टाइल में बना रहे। अपने सुबह सुबह के काम में लग जाते हैं। सबसे पहले इनको बाहर निकाल के ना मैंने अंदर पानी वगैरह डाल दिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार वाला नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर सा गाँव सुबाई भविष्य बद्री से। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी उठकर ना सीधे सफाई पे स्टार्ट हो गया। जो कल परसों में बारात गया ना, अंदर देख लो शादी के बाद कुछ ऐसा माहौल रहता है घर का, और उठते ही अंदर पहुंचा वगैरह करना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने शादी वाली वीडियो काफ़ी इन्जॉय करी होगी। अगर अभी तक जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, 2-3 पार्ट में वीडियो डाले हैं। बाकी अपने सुबह सुबह के काम में लग जाते हैं। सबसे पहले इनको बाहर निकाल के ना मैंने अंदर पानी वगैरह डाल दिया है, और यहाँ ज़रा पोंछा वगैरह मारते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। काम बढ़ाने ये आ गया, क्या करना है, चल उधर चल, उधर चल, चल चल चल। और यहाँ देख लो ना कुछ ऐसा हाल हो रखा है। चलिए दोस्तों अभी बाहर बिल्कुल क्लीन हो गया है, और यहाँ देख लो सुबह ऐसे लगा हूँ, और अंदर भी क्लीन करके अब यहाँ थोड़ा बहुत सूख गया पंखे की वजह से ज़रा जल्दी। तो चलिए दोस्तों फाइनली अपना रूम पूरा क्लीन हो चुका है, और बाहर भी। बाकी दोस्तों रूम की सफाई भी हो गई है, और अभी हाथ मुंह भी धो लिया है, और मोहल्ले में बिल्कुल सफाई चल रही है। सुबह से चाची और मम्मी और सारे सफाई करने पे लगे हैं। शादी पूरी तरीके से निपटी नहीं, कल जो दूसरे दिन के बराती होते हैं वो वहाँ गए हैं, यानी कैलाश के ससुराल जो कि गाँव में है। हम भी गए थे, हम रात को खाना खा कर सीधे नीचे आ गए थे, तो शाम को जाएंगे सीधे, फिर शाम को फिर वापसी नीचे आना है। आजकल भाभी जी के आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, तो बिल्कुल बेड रेस्ट है आजकल, लगा लो 1 महीने से लगातार बैठी है घर पे। बाकी दोस्तों भविष्यवद्री जो ये मंदिर है आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित, इसके कपाट भी बिल्कुल बंद हो चुके हैं 6 माह के लिए। जिस प्रकार बद्रीनाथ में 6 माह के लिए शीतकालीन में बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 6 महीने बंद रहते हैं, तो आजकल बिल्कुल क्लोज है। तो सुबह सुबह नारायण जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए बाहर ही से दर्शन कर लेते। शादी में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ना इनको, तो यहाँ पे नींबू पानी बना रहे, पता नहीं कौन से स्टाइल में बना रहे। ज़्यादा काम कर दिया और शरीर में गर्मी बढ़ गई ना, उस वजह से आज ज़रा ठंड ले रहे हैं। बाकी थोड़ा सा हम भी पी लेते हैं इनके साथ साथ। चलिए दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं, और यहाँ पे बन रहा है खाना, यानी आज जितने लोग यहाँ हैं दिन में तो खाना बन रहा है। अभी ये बना रहे खाने में क्या कड़ी, ये रहा चावल, और ये बन रहा है बिल्कुल कड़ी, पकौड़ा का है इसमें। खाना भी बन चुका है, और इसके बाद अब खाना खाने की तैयारी है। और आज का मौसम देख लो ना, काफ़ी सुंदर सा हो रहा है। सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड थी, और धूप आते ही ना पहाड़ों का मौसम कुछ इस प्रकार हो जाता है। और यहाँ पे कुछ टेंट वगैरह निकाल दिए हैं, क्योंकि शादी भी निपट चुकी है लगभग, केवल शाम का है आज। और यहाँ से सीधे लास्ट छोर वहाँ कैलाश का ससुराल हो गया। दोस्तों खाना खा लेते हैं, बाकी कड़ी भी रेडी हो गई है, और मैं तो कर देता हूँ भोजन, ये करेंगे बाद में, क्यों। चलिए दोस्तों अभी देखते ही देखते शाम हो गई है, और अभी शाम की तैयारी है, यानी जो बराती ऊपर गए हैं, क्या होता मैं भी जाऊँ फिर से दोबारा ऊपर, तो शाम को अभी थोड़ी देर में नीचे आना है। तो यहाँ काम स्टार्ट हो गया है फिर से, यहाँ देख लो शाम के खाने की तैयारी है, जो भी सब्जी वगैरह रोटी वगैरह, रोटी तो उधर बनेगी, बाकी सब्जी दाल चावल यहाँ बनेगा। दोस्तों मैं अभी निकल पड़ा हूँ कैलाश के ससुराल। अगर आप लोग लगातार ये शादी वाली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैलाश का ससुराल कहाँ पे है। तो अभी मैं पैदल पैदल गांव के रास्ते निकल रहा हूँ, बाकी नदी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी, क्योंकि गांव के
बिल्कुल बीचों बीच ये नदी भी है एक। और दोस्तों आज ही आज है रेस्ट हमारा, फिर कल से लगातार शादी में है, और कल लगा लो मैं तो जाऊंगा तपोवन और सुबह जाएगा कर्णप्रयाग शादी में। और यहीं पे ना चाचा जी औरों का नया मकान बना है, तो इस रास्ते बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। पहले ये पुराना रास्ता था यहाँ से, अब लोग ज़्यादातर रोड बाई रोड आते हैं ऊपर से। तो फाइनली पहुँच गए कैलाश के ससुराल, तो यानी यहीं पे जो लास्ट वाला घर है वो रहा। और अभी हम निकल पड़ते हैं सीधे ऊपर, यहाँ देख लो यहाँ से ऊपर जाना है। ये रहा कैलाश का ससुराल, यानी शादी से पहले खूब चहल पहल रहती है, और जैसे शादी लास्ट हो जाती है वैसे ही यहाँ देख लो। और यहाँ पे पार्टी चल रही है, यहाँ पे भी नानी जी को प्रणाम। और ये रही हमारी सासू जी। बाकी चाची जी और खाली बैठ रखे, ऐसा लग रहा ना शादी में बहुत थकान लगी होगी नी। बर्तन रगड़ रगड़ देखो हाथ भी काले हो गए। और अभी देख लो धूप है नी, खाली बाहर भी बैठ रखे थी, ठंडा लग रहा। हाँ बराबर ले बोल आप बोल ना। चल बोल गाइस, लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट। इसको पूरा हुआ नहीं, इसको ये पूरा दे रखा, ये खा दे तेरे लिए, वो तेरे को ला रखा मैं। वो उधर पे अपने छत पे कपड़े डाले थे होंगे धूप में, और धूप भी निकल गई है सीधे। चलो नीचे अब थोड़ी देर में चल रहा हूँ यहाँ से घर की ओर, क्योंकि ताऊ जी आ गए हैं उनको लेना, वो ज़्यादा लोग हैं इसीलिए एक ही कार में आ जाएंगे। और अब निकलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि वहाँ भी खाना वगैरह बन गया होगा, बाकी करना क्या है, ज़्यादा खाना वगैरह खाएंगे। लाइफ में एक ऐसी साथी भी देख दी जो अपने गांव से गांव ही तक गई, और पहले तो होता था दादाजी के टाइम पे, मतलब पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे कि गांव से गांव तक शादी कर लेते थे, मतलब ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में भी एक शादी ऐसी देख ली जो गाँव से गाँव तक, वो भी अपने परिवार की। बाकी यहाँ पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ये देख लो। और ये है विष्णु, विष्णु हेलो कर, चल हेलो कर। तो चले दोस्तों अब यहाँ पे दुल्हन की मुंह दिखाई हो रही है, वैसे तो साल भर यही देखा था, लेकिन एक बार फिर से नए परिवार के सदस्य के साथ मुंह दिखाई। फाइनली रात के 9:30 हो गए हैं, और अभी अपना खाना वगैरह भी हो चुका है, बाकी अब वीडियो एडिट वगैरह करते हैं, इसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि कल से फिर प्रॉपर शादी में है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। अगर आपको आज का और इससे पहले लगातार जो शादी वाले ब्लॉग थे वो अच्छे लगे, तो वीडियो पर कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।